नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे वज्रेक्स एक्सचेंज के ऊपर और इनके जो टोकन है WRX ऊपर, क्योंकि उसकी बात करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग देख सकते हो BNB के अंदर कल की डेट के अंदर ये जो बर्निंग हुई है $616 मिलियन की BNB के अंदर बर्निंग हुई है, और ये जो फर्स्ट क्वार्टर की बर्निंग है आप देख सकते हो 22nd क्वार्टरली बर्निंग हुई है BNB के अंदर। लेकिन क्या वज्रेक्स के अंदर बर्निंग अब होगी? क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्वीट भी किया है, ऑफिशियल जो हमारा क्रिप्टोयू का अकाउंट है ट्विटर के ऊपर उससे मैंने ट्वीट किया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे यूजर्स हैं जो कि वज्रेक्स के अंदर फंसे हुए हैं, जिन्होंने वज्रेक्स का टोकन लिया था एक टाइम पे और आज वो 90-95% लॉस के अंदर है। बाकी टोकन्स आप लोग देख सकते हो हरियाली के अंदर आपको नजर आ रहा है। बिटकॉइन आप लोग देख सकते हो 21,000 के आसपास है और अभी भी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। इथेरियम आप लोग देख सकते हो ऑलरेडी जितने लगभग टोकन्स हैं आप लोग देख सकते हो, चाहे वो शिट टोकन्स भी हम लोग जैसे कहते हैं कि मीम टोकन्स, वो भी आज के टाइम पे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम जब बात करते हैं वज्रेक्स टोकन की तो उसने कोई खास ग्रोथ हमको नहीं दिखाई है, और यहां पर वज्रेक्स के अंदर अभी तक बर्निंग का कोई भी बात नहीं हुई है इस क्वार्टर की। यदि हम बात करें यहां पर, मैंने एक ट्वीट किया था, आप लोग इसको पढ़ें, और इसके अंदर मैं चाहूंगा कि जितने रीट्वीट्स हो सकें इसको मैंने शेयर भी किया टेलीग्राम पे, इसके अंदर करें ताकि जो फाउंडर्स हैं वज्रेक्स के, यानी कि मैं निश्चल सेट्टी जी की बात कर रहा हूं, कम से कम उनका कुछ ना कुछ इसके ऊपर रिप्लाई आना चाहिए, उनकी टीम के तरफ से कुछ ना कुछ इसके ऊपर रिप्लाई आना चाहिए। यहां पे आप लोग देख सकते हो मैंने यहां पे साफ शब्दों में लिखा है कि व्हेन इज द नेक्स्ट बर्न डेट फॉर वज्रेक्स टोकन, द होल वज्रेक्स टोकन होल्डिंग कम्युनिटी इज इन अ बिग बिग लॉस करंटली। यहां पे उनका एक रिप्लाई आता है, आप लोग देख सकते हो, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट वज्रेक्स सक्सेसफुली कंप्लीटेड द WRX बर्न फॉर द क्वार्टर ऑफ अक्टूबर एंड दिसंबर 2021 ऑन March 9, 2022, रेस्ट एश्योर्ड एंड द नेक्स्ट अनाउंसमेंट। तो यहां पे उनका यहां पे जो रिप्लाई आया बड़ा अजीब सा रिप्लाई है, यानी कि दिसंबर और अक्टूबर की बात कर रहे हैं 2021 के टाइम की, और यहां पे March 9, 2022 की बात कर रहे हैं। मैंने बल्कि क्वेश्चन बात की है उनको करंटली एट द प्रेजेंट टाइम, उनसे मैंने जब जवाब मांगा तो उनका कोई अभी तक मेरे पास रेस्पॉन्स नहीं आया है। आप लोग यहां पे देख सकते हो फिर से मैंने उनको रिप्लाई किया, यू आर प्रोवाइडिंग द डेटा ऑफ द लास्ट ईयर, आई एम टॉकिंग अबाउट द करंट सिनेरियो, प्लीज प्रोवाइड द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। इनका कोई अभी तक मेरे पास जवाब नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है इनसे क्वेश्चन करना, क्योंकि जिस तरीके से टेक्निकली यदि आप चार्ट पे देखोगे वज्रेक्स के प्राइस को, तो आप लोग देख सकते हो एक इंपॉर्टेंट वीकली बेसिस पे यदि मैं देखूं तो 0.24 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यदि उसको ब्रेक करता है तो $0.33 के आसपास ये जा सकता है। लेकिन उनको ब्रेक वो तब करेगा जब कुछ ना कुछ इसके अंदर हलचल होगी, अभी तक हमको ऐसी कोई हलचल वज्रेक्स के अंदर नहीं नजर आ रही है। यदि आप निश्चल सेट्टी जी को देखोगे तो उनके ट्वीट्स आपको नजर आएंगे शेडियम के ऊपर, जो कि उनकी नई ब्लॉकचेन की हम बात कर रहे हैं, काफी टाइम से इसके ऊपर भी बात चल रही है। एस सच इसके ऊपर वर्क तो डेफिनेटली इसी के ऊपर हो रहा है, क्योंकि वज्रेक्स के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, ना उसके WRX के टोकन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, वो बस एज अ प्रोजेक्ट जो कि पहले का पड़ा है तो बस पड़ा ही है उसको। यहां पे आप लोग देख सकते हो शेडियम की उन्होंने न्यूज डाली है, शेडियम बेटानेट इज ऑन इट्स वे। तो शेडियम की बातें लगातार हो रही है, लेकिन शेडियम के ऊपर हमको ये भी पता है कि इनका एक अलग से टोकन भी आएगा, शेडियम ब्लॉकचेन का वो अलग से उनका टोकन होगा, तो फिर उसी के ऊपर ध्यान देना है तो फिर WRX का क्या होगा? क्योंकि ये भी तो इन्हीं का प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर कुछ तो एक्शन होना चाहिए। इतने वक्त में ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। क्या शेडियम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा यूटिलिटी WRX टोकन का ऐड कर दिया जाएगा जिससे इसकी प्राइस में ग्रोथ आ सकता है? कुछ ना कुछ हिंट मिलना चाहिए जो कि अभी तक हमको नहीं मिल पाया है, इसलिए मैंने सोचा कि ट्विटर के ऊपर ये बात करना ज़रूरी है ताकि लोग थोड़े से अवेयर हों, लोग थोड़ा सा समझें कि इस टॉपिक पे बात करना ज़रूरी है। ये आज काफ़ी टाइम हो गया है हमने इसके ऊपर बात नहीं की, और जब ये BNB के अंदर मेरे को कल बर्निंग नज़र आई तो मैंने सोचा ये बिल्कुल करेक्ट टाइम है, इसको मुद्दा यहाँ पर उठाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा है। बर्निंग यहाँ पर BNB में जैसी होती है उसके कुछ टाइम बाद हमको देखने को मिलता है कि WRX के अंदर बर्निंग होती है। तो देखते हैं कुछ दिनों में यदि बर्निंग होती है तो अच्छा है, वेल एंड गुड है, इसका प्राइस कुछ यहाँ पे पंप करता है नहीं करता है। अभी यदि हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम नहीं है, बल्कि 37% माइनस में वॉल्यूम गई है पिछले 24 घंटे की मैं बात करूँ तो ये बिल्कुल एक कंसर्न वाली बात है। यदि आप होल्ड करते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कितने टोकन होल्ड करते हो WRX के, और मैं खुद इसके अंदर बिल्कुल मेरी होल्डिंग भी है और WRX को मैं अभी होल्ड करूंगा यदि मैं अपनी यहां पे आपको बात बताना चाहूं, क्योंकि मैं यहां पे रिप्लाई का वेट कर रहा हूं, और उसके साथ में यदि कुछ यूटिलिटी यहां पे शेडियम के अंदर ऐड होता है WRX का तो वो वेल एंड गुड इनफ होगा उसका प्राइस को पंप करने के लिए।
तो उम्मीद करते हैं इसका जो प्राइस है वो डेफिनेटली पंप करे। बाकी अभी यदि आपको एंट्री लेनी है तो $0.12 के आसपास यदि WRX का टोकन यदि आपको करंटली मिलता है तब आप एंट्री लेना, वरना अभी एंट्री मत लेना। ये वीकली बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। बाकी आप लोग इसके अंदर ऐसा मत सोचना कि एक दो दिनों के अंदर प्रॉफिट मिल जाएगा, तो वो चीज़ नहीं होगा। ये थोड़ा सा मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। बाकी यदि आपको निकलना है तो $0.24 के आसपास आप निकल सकते हो WRX के टोकन से। तो उम्मीद करता हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन थी आपको पसंद आई होगी। बाकी अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। उसके साथ में यदि अभी तक आपने टेलीग्राम सेक्शन को ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज़रूर करें। यहाँ पे मैंने ये आपको जो मैंने ट्वीट किया था WRX के ऊपर, ये मैंने यहाँ पर शेयर किया है, इसको रीट्वीट करें। इसके ऊपर आपका जो भी कमेंट है, आपका व्यू है, वो बिल्कुल कमेंट करें इसके अंदर जाके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और ये जो टेलीग्राम की लिंक है ऑफिशियल, ये आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर।